सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया। ये सम्मान धोनी के क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया गया। बता दें कि एमएस धोनी के लिए आज का दिन दोहरी खुशी का है, क्योंकि आज ही के दिन यानी 2 अप्रैल 2011 को धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को 28 साल बाद वर्ल्ड कप में चैंपियन बनाया था। पद्म भूषण सम्मान समारोह के दौरान धोनी लेफ्टिनेंट कर्नल की यूनिफॉर्म में नजर आए। इस दौरान वो लेफ्ट राइट करते हुए राष्ट्रपति के पास गए और सलामी लेकर इस सम्मान को ग्रहण किया। याद हो कि धोनी टेरिटोरियल आर्मी के हिस्सा हैं। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में किया गया। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के साथ साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू सहित अन्य मंत्री भी मौजूद थे। मैन इन ब्लू ने मुंबई के आइकॉनिक वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप में विश्व विजेता बना था। मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। महिला जयवर्धने के दमदार शतक की बदौलत मेहमान टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 274 रन बनाए थे। जवाब में टीम इंडिया ने 10 गेंदे शेष रहते ही मैच जीत लिया था। 49वें ओवर में नुवान कुलसेकरा की दूसरी गेंद पर धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हुए छक्का जड़कर मैच जिताया था। दोस्तों, अगर आपको ये न्यूज पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।